गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ पंक्ति दवे फ्रॉम महासापुरा विद्या संकुल। आज हम लोग आपके चैप्टर हिंदीज में 14 द सिंबल ऑफ रू उसका पार्ट 3 यानी कि पेज नंबर 62 वह पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और हमारे क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। चित्र देखो और सहायक बॉक्स में से एक जैसे रंग वाले अक्षरों को जोड़कर उनके नाम लिखो। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको राजा का पिक्चर्स दिया गया है, क्रूप यानी कि नृप का पिक्चर्स दिया गया है, द किंग नृप। तो वैसे ही आपके पास और दो हैं, 1, 2, 3, 4। 3 का आंसर हमें लिखना है। ये है हेल्प बॉक्स यानी कि सहायक बॉक्स, इसमें से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं और इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। और एक बार मैं आप लोगों के सामने इंस्ट्रक्शंस रीड करती जा रही हूँ, सबको ध्यान से सुनना है। सी द पिक्चर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, चॉइस लेटर विद द सेम कलर्स एंड जॉइन देम टू फ्रॉम वर्ड्स, राइट द वर्ड्स बिलो द करेक्ट पिक्चर्स। अंडरस्टूड वेरी वेल ऑल द स्टूडेंट्स? सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ हेल्प गेम एंड हेल्प बॉक्स। तो सेकंड नंबर है, क्या है, हिरन। हिरन को क्या बोलेंगे, एक जैसे कलर को चॉइस करना है तो लवेंडर के साथ लवेंडर को मैच करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, राइट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका आंसर, मृग हो गया। जैसे ये ब्लू है रूप, तो ऑलरेडी है दिया हुआ। अब जाते हैं थर्ड, किसका पिक्चर्स है, हाउस। ओके, हाउस, तो आपको हाउस में कौन सा कलर साथ में देखने को मिलता है, चलो ढूंढो, राइट। आपको ग्रीन कलर में दिखा हुआ देख रहे हो सभी, तो लिखेंगे यहाँ पे हाउस को बोलेंगे गृह। क्या बोलेंगे, गृह। वैसे ही अब एक बॉक्स को ढूंढना है, कौन सा बाकी रह गया, राइट, ऑरेंज। ऑरेंज यानी ट्री, ट्री का क्या बनेगा, वृक्ष। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृक्ष। हो गया बच्चों, पहला था नृप, दूसरा मृग, थर्ड गृह और फोर्थ है वृक्ष। तो अब हम लोग जा रहे हैं सुलेखन यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस, जैसा दिया गया है वैसा ही हमें लिखते जाना है। पहला लिखेंगे कृषक, सेकंड लिखेंगे अमृत, थर्ड लिखेंगे मृणाल, फोर्थ लिखेंगे पृथक, सिक्स में लिखेंगे नृप, सेवन में लिखेंगे बड़ा, एट में लिखेंगे कृपाल, लास्ट में लिखेंगे था और लिखेंगे खड़ी पाई। इसको क्या बोला जाता है, खड़ी पाई। तो अब हम पूरा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, अमृत, कृषक, अमृत, मृणाल, पृथक, नृप, बड़ा, कृपालु, था। तो आज के जो वर्क में हम लोगों ने पेज नंबर 62 किया, उसमें सबसे पहले यह क्वेश्चंस करने हैं, उसके चार आंसर लिखने हैं, पिक्चर जैसा आता है वैसा ड्रॉ कर सकते हो, और नीचे जो दिया गया है सुलेखन यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वापस मिलेंगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक योर सेल्फ एंड डू योर वर्क रेगुलरली। ओके बेटा, गुड बाय।